मन कहाँ है ये तो तुम ढूंढोगे तो पता चलेगा फिलहाल तो शरीर है तुम्हारे हाथ में सबसे पहले इसको साधो सबसे पहले इसको साधो और इसको साधने के लिए इसको स्वस्थ रखने के लिए इसका कंट्रोल आपके हाथ में रहे उसके लिए आवश्यक है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के काल में जगे जो लोग सुबह नहीं जगते चार और साढ़े चार के बीच में अगर तुम नहीं जगते हो तो तुम कभी अपने शरीर पर विजय नहीं पा सको अगर आप इस समय नहीं जगते हैं अब वही बात है चार साढ़े चार वही जगेगा जो दस साढ़े दस तक सोएगा और जो दस से देर तक जगते रहते हैं वो ये पर्चा दें अपनी जिंदगी की डायरी से कि वो कभी साधना कर पाएंगे क्यों जगो चार बजे देखो नींद प्यारी है पर मैं आपसे एक बात पूछती हूं बहुत लंबा सोते रहने से मिलेगा क्या निकलेगा क्या उसमें से कुछ भी नहीं सुबह जगना सरल है बहुत सरल है जब आप ठीक समय पर सो जाए अब अगर आप 12 बजे सो रहे तो 4 बजे तो नहीं जग सकेंगे शरीर को कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद चाहिए तो अगर मुझे साढ़े चार बजे उठना है तो मुझे यह देखना चाहिए कि मैं रात ठीक समय सो जाऊं क्यों वाय इसका धर्म से कोई लेन देन नहीं इसका योग से भी कोई लेन देन नहीं लेकिन इसका तुम्हारे स्वास्थ्य से बड़ा गहरा लेन देन और इसका तुम्हारे जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। सुबह चार बजे से लेकर कोई पांच बजे तलक ओजोन ये जो अंतरिक्ष है हमारा इस अंतरिक्ष और हमारी इस धरती के मध्य में एक शील्ड है सूर्य के किरणों में बहुत सी खतरनाक चीजें भी मिलती हैं और बहुत सी लाभकारी चीजें भी मिलती दिन के 11 साढ़े ग्यारह बजे के बाद जो सूर्य की किरणें हैं वह शरीर के लिए हानिकारक होती परंतु सूर्योदय से आधे घंटे पहले जो ऊष्मा जो ऊर्जा सूर्य से आती है अगर आप सुबह स्नान करके खुले में चार और पांच के बीच में अगर आप खुले में टहलते हैं घूमते हैं आसन करते हैं तो इन रशिमाओं का इन ऊष्माओं का इन ऊर्जा का पान तुम्हारा शरीर करेगा और स्वस्थ रहेगा यू बॉडी विल लिव लॉन्ग एंड योर बॉडी विल रिमेन हेल्दी अगर आप रात को ठीक समय पर सो जाते हैं ठीक समय पर मैं कह रही हूं बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए जो ठीक से सो नहीं पाते मैं उनके लिए भी मैं बात करूंगी पर पहले अगर आप रात्रि को ठीक समय पर सोते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं कुल मिला के छह मुख्य छह ग्रंथियां इन छह ग्रंथियों से हारमोन्स का कुछ रसायनों का श्राव होता है ये श्राव आपके शरीर के जो सिस्टम्स हैं उन छह के सिस्टम्स को ठीक से चलाता अब जैसे गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी कितनी ही महंगी क्यों ना हो गाड़ी चल नहीं सकती ऐसे ही ये हार्मोन्स ये जो रसायन का श्राव ग्रंथियों से होता है यह आपके शरीर का ईंधन है या आपके शरीर का पेट्रोल है रात को जब आप सोते हैं तीन ग्रंथियां आपकी खोपड़ी में है हाइपोटलमस पिट्यूटरी और पीनियल दो ग्रंथियां कंठ में गले में है थायराइड और पैराथायराइड एड्रिनल ग्रंथी पेट में स्त्रियों में ओवरिस और पुरुषों में टेस्टिस से श्राव होता है रात जब आप गहरी नींद सोते हैं तब उस समय ए टी एच जी टी एच टी एस एच टी थ्री टी फोर मेलाटोनिन सेराटोनिन इत्यादि ये सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं अब ये जितने हार्मोन्स हैं तुम्हारे पाचन तंत्र को अच्छा रखेंगे ब्लड प्रेशर को अच्छा रखेंगे तुम्हारी एक्सक्रीशन जो शरीर से मल है उसको ठीक समय से बाहर निकाल देंगे तुम्हारे शरीर को पौष्टिकता खाए हुए भोजन से ठीक मिलेगी तुम्हारे फेफड़े ठीक फंक्शन करेंगे तुम्हारी हृदय की धमनियों में चर्बी नहीं फंसेगी क्योंकि रक्त का प्रवाह ठीक से चलेगा तुम्हारे पूरे शरीर का कंट्रोलर हाइपोथैलमस है हाइपोथेलमस तुम्हारे देह का मास्टर कंप्यूटर है और हाइपोथेलमस जो कमांड देगा पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग उसके अनुसार चलेंगे अब देखो ना तुम सो रहे हो पर सांस चल रही है फेफड़े काम कर रहे हैं खाया पिया पच रहा है खून दौड़ रहा है तुम्हारे फेफड़े अगर इनको खींच दें हमें स्ट्रेच कर दें ना तो तुम्हारे फेफड़े इतने बड़े जितना टेनिस का कोर्ट कभी देखा टेनिस का मैच कभी कोर्ट देखा हो जिसमें खेल खेला जाता है इतना बड़ा है ये हमारा फेफड़ा और प्रकृति ने कैसे इसको छोटा सा करके तुम्हारे इस आ, बोन स्ट्रक्चर के अंदर उसको सुरक्षित रखा फेफड़े सुचारू रूप से काम करें हृदय सुचारू रूप से काम करे रक्त का प्रवाह ठीक से चले अब उसके लिए आवश्यक है कि तुम ठीक समय पर सो ठीक समय पर सोने के लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा खाना सोने से कम से कम तीन घंटे पहले हो चुका इधर खाया और वो भी पंजाबी परोठे रात में खा रहा है माँ की दाल अरे बाप की दाल खाया करो पीली दाल मूंग मसूर खाओ अरहर खाओ छिलके की दाल खाओ और वर्जनी गरिष्ठ भोजन वेरी हैवी फूड इतना भोजन भारी खा करके सीधा बिस्तर में सोने चला गया अब बेचारा पेट की तो वाट लग गई हजम कैसे होगा अजब हजम नहीं होगा तो डकारने लोग गिटार बजाते हैं तुम डकारे बजाओगे बजानी है तो गिटार बजाओ कोई सुर संगम कुछ राग बंदिशें तो तुम आ।, आ, आ। कईयों के तो इतने भयंकर होते हैं कि बच्चे डर जाते हैं एक के घर में मेहमान आए तो पिताजी ने मारा डकार पड़ोस के कमरे में बच्चा उछल के पलंग के नीचे मम्मी कोई भेड़ आ गया अलग कोई जानवर घुस गया बोले नहीं नहीं वो तुम्हारे अंकल जी ने डकार मारा सोने से तीन घंटा आइडली फोर आवर्स तीन घंटा नहीं तो चार करे तो सबसे बेहतरीन अब देखो ना तुम्हारा लाइफ का सिस्टम कितना गड़बड़ खाओ गई रात नौ बजे सो हो ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे और फिर सुबह कब हुई और कब प्रकृति से ऊष्माएं आईं और पृथ्वी को छू चली गईं और तू बंद कमरों में रजाई में खराटे मार के सो रहा है गलत समय पर सोने से गलत समय पर जगने से गलत समय पर सब सब काम करोगे तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो आपको कोई और दुश्मन नहीं चाहिए जो आके तुम्हें गोली मारे या परेशान करे तुम खुद अपनी प्राण शक्ति का हनन कर रहे कैन बी अ साधक हु कैन बी एन एस्पिरेंट हु हैज डिसिप्लिन इन हिज लाइफ अनुशासन होना चाहिए जगना उठना बैठना खाना पीना कितना खाना अब जीव तो बेचारी स्वाद जितना लेती है वो मन मजा लेता है और खाओ और खाओ और खाओ पेट रो रहा है और मत खाओ और खाए जा रहा खाएगा भी और फिर थोड़ा बांध के भी रख लेगा ये बाद में खाऊंगा जो जीव का लोभी है जो जितेंद्रिय नहीं है वह निष्काम कर्म का अभ्यास नहीं कर सकता हमारे शरीर का कंट्रोलर मन है मस्तिष्क है मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए विश्राम की आवश्यकता है सुबह से लेकर रात तक जिस गहरे तनाव में तुम जीते हो उस तनाव से मुक्ति मिलती नहीं है शरीर तनाव में ग्रंथियां तनाव में मस्तिष्क तनाव में और इसी तनाव के साथ जब तुम सोना चाहते हो तो नींद भी नहीं आती इसीलिए मेरी दृष्टि में आज के मनुष्य के लिए योग निद्रा एक अति उत्तम साधन है योग निद्रा एक 45 मिनट का प्रयोग है जिसमें आप बैठते नहीं लेटते हैं और लेट कर अपनी चेतना को पाँव से लेकर सर तक घुमाना क्रम और उसी के साथ कुछ विजुअलाइजेशन और उसी के साथ श्वासोच्छ्वास पर दृष्टि रखना बहुत सहज बहुत सुगम तरीका है पर योग निद्रा के ठीक ठीक अभ्यास करते रहने से बड़े गहरे और बड़े कीमती लाभ मिल जाते हैं विशेषतः जिन्हें रक्तचाप है विशेषतः जिनका पेट गड़बड़ अब आप कहोगे पेट का योग निद्रा से क्या लेन देन जब आपका मस्तिष्क तनाव में रहेगा तो हाइपोथैलेमस जो आपके मस्तिष्क के अंदर ग्रंथियां हैं, वहां से ठीक कमांड शरीर को नहीं जाएगा ऊपर से तुम गलत खाते हो तो पाचन तंत्र पूरे का पूरा बिगड़ जाता है क्योंकि ना तो हाइपोथैलेमस से कमांड सही आया ना तुमने ठीक से खाया ना ठीक से पचाने के लिए तुमने आसनों का अभ्यास किया था तो सब चीज तो गड़बड़ हो गई पेट ठीक चलेगा कैसे पेट ठीक चलाने के लिए मैं बहुत कंसाइज uh, और बहुत समरी में अभी बोल रही हूं फिर कभी अब इसका विस्तार देंगे एक खाते समय होश होनी चाहिए क्या खा रहे एक ग्रास जब तुम मुंह में डालो असुलन बत्तीस बार चबाना चाहिए जो भोजन है वो एकदम तरल पानी जैसा हो जाए मुंह में इतनी देर तक उसको चबाना चाहिए पर तुम खाते नहीं हो सिर्फ निगलते हो जब तुमने उसको चबाया ठीक से नहीं और ऐसे ही अंदर निगल लिया तो पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो मुंह को करनी चाहिए थी अब वो पेट को करनी पड़ेगी पेट का काम भोजन को पचाना था भोजन को तोड़ना नहीं था पर पेट को अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इसीलिए खाया पिया भोजन बारह बारह घंटे के बाद जाके तुम्हें पचता है लेकिन तुम जीव के ऐसे गुलाम हो तुम्हें हर छः घंटे में कुछ खाने को चाहिए इस बात की फिक्र किए बगैर कि जो हम खा चुके हैं वो पचा भी होगा कि नहीं पचा होगा भी दिन में अगर आप दो समय खाओ तो असूलन दो समय शौच भी जाना चाहिए पर यहाँ तो कई महानुभाव वो दो दिन बाद जाते हैं कोई तीन दिन बाद जाते हैं मल ही त्याग नहीं करते सब अंदर ऐसा कब्जा किया हुआ छोड़ने कोई तार नहीं जिनकी आंतों में मल फंसा रहेगा लाइंग इन योर इंटेस्टाइंस यू कैन नॉट डिजीजेस कुछ वो रोग होंगे जो बाहर आ गए हैं और फिर कुछ रोग वो होंगे जो अभी अंदर अंदर तैयार हो रहे हैं अगर दो बार खाता है तो दो बार शौच हो अगर तीन बार खाता है तो तीन बार शौच होना चाहिए यह शरीर का सिस्टम है जितनी पौष्टिकता है वो शरीर ले लेता है जितना कुछ बेकार है वो शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है मल और मूत्र के रूप से वो बाहर निकल जाता है तो खाने पीने के समय ध्यान होना चाहिए हमारे पूर्वजों का ये सिस्टम था भोजन रखा सामने सबसे पहले प्रार्थना प्रभु आपका धन्यवाद कि भोजन मिला कि भोजन खाने लगे प्रभु आपको भोग लगे हम प्रसाद पाए पहले तो वो जो लोभ होता ना कईयों को मैंने देखा है वो थाली में अभी सामान पूरा आया भी नहीं होता और लप लप खाना शुरू हो जाते और भाई रुक तो अभी सामान आया नहीं कहते कोई नहीं डालते जाओ हम खाते जाएंगे नो प्रॉब्लम वो रुकने को तैयार नहीं है इतनी उनको जल्दी होती है खाने की खाना आते देख लें तो उनके मुंह से पानी टपकने लग जाता जीप कुत्ते की तरह बाहर तो नहीं निकालते हैं पर जी तो उनका यही होता है कि जल्दी जल्दी लाओ मैं जल्दी जल्दी खाऊं खाऊं तो खाओ भी निगलते क्यों हो पर तुम खाते नहीं हो तुम सिर्फ निगलते हो बत्तीस बार आज करके देखिएगा अभी थोड़ी देर में तुम लोगों ने सबने नाश्ता करना है काउंट करिएगा थर्टी टू टाइम्स तुम कहोगे हे मुसीबत है बीस बार में तुम्हें वो मुसीबत लगने लग जाएगी पर हमारे बुजुर्गों का और हमारी सभ्यता ने जो बातें कही हैं, वो कोई रैंडमली कही गई बातें नहीं है हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है और इसको हजारों लाखों ऋषियों मुनियों ने अभ्यास करके एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया सो वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर सेइंग बार चबा है भोजन को देखे उसका रंग उसकी खुशबू उसका आकार और जब खाए तो स्वाद देखिए जीव में आना है पेट में नहीं आना तो जब स्वाद जीव में आना है तो भोजन को देर तक जीव में रखिए अगर आप इस तरह खाना खाएंगे तो एक रोटी को एक मध्यम आकार की जो चपाती है उसको खाने में कम से कम आपको तीन मिनट लगेंगे तीन मिनट में तो लोग चार रोटियां खा जाते तीन मिनट में एक खाओगे और सत्य तो यह है खाना तुम्हारा खाना की जो भोजन की मात्रा है वो कम हो जाए जब ठीक से खाओगे अब जब ठीक से खाया है तो पेट ठीक से पचा भी देगा अब जब ठीक से पेट पचाएगा तो ना गैस ना डकार ना पेट दुखना कुछ होगा ही नहीं ए, दुनिया भर के चूर्ण दुनिया भर के चूरण जेबों में लिए घूमते रहते सबसे ज्यादा दवा अगर दुनिया भर में कोई बिकती है तो वो हाजमे की दवाइयां होती और कोई दवा इतनी नहीं बिकती एंड आई बिलीव अ कंपनी कैन रियली सर्वाइव इफ इट मेक्स जस्ट ओनली वन मेडिसिन टू डाइजेस्ट फूड लोगों का पाचन तंत्र इतना बिगड़ा जीवन जीने के जो सूत्र हैं उनकी समझ होनी चाहिए और इस शरीर का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में हो तो योग निद्रा आपके मस्कुलर रिलैक्सेशन मांसपेशिए विश्राम देगा आपके अंगों को विश्राम देगा मन को विश्राम देगा स्केलेटल रिलैक्सेशन होगी और इसके द्वारा तुम्हारा रक्तचाप कि जो गति है वो कंट्रोल में आ जाएगी जा, हाई है तो डाउन आएगा डाउन है तो ऊपर जा करके जितना होना चाहिए वो अपने आप हो जाएगा इस शिविर में अभी की जो बैठक है इसके बाद आपका जलपान नाश्ता है नाश्ते के बाद कोशिश करिए थोड़ा सा गंगा किनारे टहल लीजिए या यहीं पर Uh, कुछ सेवा कार्य ले लीजिए फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए दिन में एक समय पर शरीर को इतनी हरकत देनी चाहिए कि पसीना निकल जाए अगर ऐसा आप करते हैं तो मतलब ही नहीं कि दवाइयाँ खा दवाइयाँ खानी पड़े आपको भोजन हजम कर देखो रोटी खा खाओ तो उसे हजम करने को रोटी मतलब दवाई चाहिए फिर हाल ये है कि भूख नहीं लगती तो भूख लगाने के लिए भी एक दवाई चाहिए नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी एक गोली चाहिए कभी तो लगता है कि फिर नींद से निकलने के लिए भी तुमको गोली शायद चाहिए होगी गोलियां ही गोलियां दवाइयां ही दवाइयां दवाइयों से अपने आप को मुक्त कर सकते हो तुम अगर आप ठीक तरह से खान पान व्यवहार और ठीक प्रकार से आसन प्राणायाम को तुम अपने जीवन में ले आओ भगवान कह रहे योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय जो योग युक्त है और जिसने अपनी इंद्रियों शरीर और मन पर विजय पाई है सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर अर्पि न लिप्यते ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है कर्म निष्काम होकर करता है और सर्वभूतात्मा भूतात्मा लेकिन सर्वभूतों में एक ही ब्रह्म का दर्शन और अपने में भी एक ही ब्रह्म का दर्शन कर जगत में रह करके भी जगत से अतीत है लाइफ ब्यूटिफुली दिस लाइफ इज अ ब्लेसिंग दिस लाइफ इज अ ग्रेस ये कृपा है ये प्रभु का प्रसाद है इस प्रसाद का दुरुपयोग ना कीजिए युक्ति पूर्वक अपने जीवन को जिए और इस युक्ति का जो समझ है जो विवेक है इस युक्ति के अनुसार जो तुमको अपने जीवन में बातें करनी चाहिए उनकी समझ भी होनी चाहिए और फिर उसको तुम लागू भी करो क्या दिक्कत है फिर आप में से कुछ लोग जो आश्रम में आए थे जब मेरे पास स्वामी बुआ जी आके ठहरे हैं तो उन्होंने देखा है 122 वर्ष का शरीर है उनका पर उनकी हंसी उनके मजाक बोलते हैं हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू तो कोई पूछे खुद ही सवाल कर देते डू यू नो हाउ ओल्ड आई एम ट्वेंटी टू एक खा जाते थे वो बाईस तो वर्ष का और सत्य तो यह है कि बाईस वर्ष के व्यक्ति से भी ज्यादा ऊर्जा बाईस वर्ष के व्यक्ति से भी ज्यादा स्वस्थ उनका शरीर अब इसमें क्या कोई चमत्कार है नहीं कोई चमत्कार उनको कोई मिलने आए और उसको चश्मा लगा हो उसका तो कल्याण हो गया उसी से बार बार पूछेंगे ओके यू हैव फोर आईज आई हैव ओनली टू। चार आके तेरे मेरे पास तो सिर्फ दो हाउ ग्रेट यू आर ऐसी लानते मारते थे शरीर को संभालो शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करो ऊर्जा बनो शक्तिमयी बनो बुड्ढे न बने रहो क्यों जरूरत पड़ती है तुम्हें सहारों की बेसहारा रहो हाँ, बेसहारा रहो क्यों सहारे ढूंढते हो कोई सहारा नहीं चाहिए तुम मन के भी सहारा ढूंढते हो तुम तन के लिए भी सहारे ढूंढते हो क्यों लाइफ इज अ ब्लेसिंग सेलिब्रेट इट और खूब मस्त के कीर्तन करे गाए नाचे भागे दौड़े सेवा करे फिर कह दू दिन में एक बार शरीर से पसीना निकलना चाहिए भीग जाए सिर से लेके पांव तल तो ये जितनी टोपियां लगा के बैठे ना सारे ठंड है मेरे को पता है ठंड है सब टोपियां उतार उतर के फेंक दोगे मैं ये नहीं करी अभी उतार दो ना, ना 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 बीमार बीमार नहीं तुम्हें मुझे करना मैं ये कह रही हूं कि एक समय ऐसा होना चाहिए जिसमें आप श्रम करें शरीर से श्रम करें यू शुड वर्क थ्रू योर बॉडी एंड यू शुड वर्क सो हार्ड जब खुल के पसीना आ जाएगा चमड़ी का कोई रोग नहीं रहेगा पेट का कोई रोग नहीं रहेगा रक्त का कोई रोग नहीं रहेगा और निरोगी जिसकी काया है वही योगी है खांसता हुआ झुकी हुई कमर वाला ना योगी है ना साधक और आपको साधक बनना है आपको योगी बनना है तो आपको विजितात्मा होना चाहिए शरीर पर इंद्रिय पर मन पर विजय होनी चाहिए श्री कृष्ण की यह बाणी श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के लिए और हर व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं गीता हिंदुओं के लिए नहीं है सिर्फ गीता सबके लिए है क्योंकि गीता जीवन का सूत्र देती है जीवन जीने का रहस्य बताती है इट टीच इज यू टू क्रिएट हार्मनी इन बिटवीन योर माइंड बॉडी एंड यू ऐसे प्यारे श्री कृष्ण जी का सरगुण और निर्गुण श्री कृष्ण का स्मरण करते दिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा